Hi friends, there is a good news for the nature lovers. The Himalayan Saro is back. हिमालय में जो कोल्ड डेजर्ट है वहां पर एक सेरो नामक एक एनिमल पाया जाता है। एंड दिस सेरो एनिमल बेसिकली बिलोंग्स टू द एंटीलोप फैमिली, जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो है बकरी परिवार का एक एनिमल है। एंड इट वाज नॉट विजिबल फॉर नंबर ऑफ इयर्स एंड अकॉर्डिंग टू सम एनवायरमेंटलिस्ट इट वाज एक्सटिंक्ट। एंड IUCN का भी ये कहना था कि इट वाज नियरली थ्रेटन्ड, बट द ग्रेट न्यूज इज इट इज नाउ अगेन रीअपीयर्ड। आज हम इसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं, द हिमालयन सैरो इज रीअपीयर्ड। मैं हूं आपका फ्रेंड गौरव मारवाह फ्रॉम यूनिका स्टडी सर्कल। Dear friends, it's a good news that the Himalayan Saro is back. तो दोस्तों हिमालय में ये एक बकरी की प्रजाति पाई जाती थी, एंटीलोप की एक प्रजाति पाई जाती थी जिसको कहते थे सेरो। तो ये काफ़ी समय तक दिखाई नहीं दी और ये माना गया कि कहीं ये विलुप्त तो नहीं हो गई है। तो दिस इज ए गुड न्यूज, ये सेरो दोबारा दिखाई गई है। सो दिस इज रियल इन एक्साइटिंग न्यूज फॉर द नेचर लवर्स। And in IUCN, it was under the near threatened list. इन्हें IUCN ने भी माना था कि भाई ये near threatened है, और कुछ resources मान रहे थे कि भाई ये तो शायद extinct हो चुकी है। तो ये हिमालयन जो cold deserts हैं वहाँ पे, जो Spiti Valley है वहाँ पे ये discover हुई है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। सो हिमालयन सेरो अगर हम पूछें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हिमालय की एक बहुत ही रेयर गोट है एंटीलोप फैमिली की है। दोस्तों जो सींग होते हैं समझ लीजिए दो कैटेगरी के होते हैं, एंटीलोप और एंटीलर। जैसे जो बारह सिंगा है वो होता है एंटीलर, तो एंटीलर के जो सींग होते हैं वो झड़ते हैं और दोबारा आते हैं, सीजनल ये प्रक्रिया चलती है एंटीलर में। लेकिन जो एंटीलोप्स होते हैं उनके जो हॉर्न्स होते हैं परमानेंट होते हैं। तो ये एंटीलर परिवार परिवार का नहीं है, एंटीलोप परिवार का है, और कोल्ड डेजर्ट में ये दोबारा रीअपियर हुई है, जो बहुत अच्छी बात है। और IUCN की ये नियरली थ्रेटेंड लिस्ट में है। तो दोस्तों हमारे मन में ये विचार आता है कि IUCN क्या है। सो IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेंट्री विच इज वर्किंग फॉर यू नो कंजर्विंग द नेचर। इट इज वर्किंग सिंस 1964। और ये जो IUCN है लगभग लगभग प्रत्येक स्पीशी को ये ट्राई करती है कि उसको एवेल्युएट करें, और एक बार एवेल्युएट हो जाए तो री एवेल्युएट करती है उसको। ये ट्राई करती है 5 ईयर्स में या फिर 10 ईयर्स में री एवेल्युएट करें। और दुनिया में अगर हम एक मोटा मोटा हिसाब लें, सो IUCN हैज स्टडीड मोर देन 1 लाख स्पीशी, 1,05,000 स्पीशी का इसने अध्ययन किया है। इसमें 28,000 से ज़्यादा स्पीशी, इसका ऐसा मानना है कि इट इज़ एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी उनको विलुप्तता का खतरा है। यानी 28% जो स्पीशी हैं वो उनको विलुप्तता का खतरा है, दे आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। और अगर हम मोटी बात करें कि क्या रीज़न है बायोडायवर्सिटी लॉस के, तो दोस्तों फॉर जो मेन रीज़न बायोडायवर्सिटी लॉस का होता है, सबसे बड़ा रीज़न होता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल एनवायरनमेंट, या कोई एनिमल जो फॉरेस्ट में रहता है, वाइल्डनेस जिसको हम कहते हैं, उसको चाहिए अपना हैबिटेट, उसको अपना घर घरोबा जिसको कहते हैं एनवायरनमेंट, वैसा चाहिए, हैबिटेट चाहिए। बट बिकॉज ऑफ आवर इन्वेजन, माइनिंग कंस्ट्रक्शन, वाटर लॉगिंग, हाईवे कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन, हैबिटेट का नुकसान हो रहा है। अननेसेसरी हम टूरिज्म को इन्वेट करते हैं ऐसे एरियाज में, तो एक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बड़ा रीज़न है। देन एक और रीज़न बायोडाइवर्सिटी लॉस का, या जो एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उसका रीज़न है पोचिंग, यानी जो हम अवैध शिकार करते हैं, कई बार उसके मांस के लिए, फ्लैश के लिए, कई बार उसका फर के लिए,
या कई बार किसी और चीज के लिए हम जो शिकायत करते हैं अवैध, वो भी एक रीजन है। I came across the material hosted by Unique IS and several other institutes that the video logs of Gaurav Marwaha sir, they were quite relevant for core material as well as time management, stress busting, increasing your productivity as well as retention, concentration. They were quite helpful. So time and again in my free time, I would refer to these value addition or self-help blogs as well as content development blogs and they were quite helpful. And दोस्तों, climatic change भी एक बड़ा reason है species loss का और बायोडाइवर्सिटी लॉस का, और इलीगल लॉगिंग तो होता ही है, जो फॉरेस्ट में अननेसेसरी जाके जो ट्रीज गिराए जाते हैं पर्सनल गेन्स के लिए, टिम्बर के लिए, अगेंस्ट द लॉ, तो वो भी एक बड़ा रीज़न है। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, सरकार ऐसे क्या कदम उठाए जिससे लॉस ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी कम हो, और जैसे सैरो स्पीशी जो मान रहे थे कि शायद एक्सटिंक्ट होने जा रही है लेकिन वो देखिए धीरे पियर हुआ, तो ऐसे क्या अच्छे कदम सरकार उठाए। तो सब दोस्तों आप जानते हो सबसे बड़ा कदम होता है हैबिटेट रिस्टोरेशन, यानी कोई भी स्पीशी है वो नेचुरल एनवायरनमेंट जो उसको चाहिए उस एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करें। हम टूरिज्म को अलाउ करें लेकिन टूरिज्म इनके हैबिटेट को डिस्टर्ब ना करे, ये जितना नेचुरल हो सकता है उतना नेचुरल रहे, देन जो हायर जो पोटेंशियल एरियाज हैं उनको हम और प्रमोट करें, बायोडाइवर्सिटी को और प्रमोट करें, और दोस्तों हम भी अपना जो एनर्जी कंजम्पशन है वो इस तरह से करें कि हमारा जो फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट है, वो कम से कम हो, कार्बन फुटप्रिंट कम से कम हो, और फ्यूल एफिशिएंसी हम ज़्यादा करें, एनर्जी को वेस्ट ना करें, और जो भी परचेज करें सस्टेनेबल जो प्रोडक्ट्स हैं, इको लेवल प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करें। जैसे कोई हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस हम यूज़ करते हैं तो जितना हायर स्टार वैल्यू होगी उसकी उतना ही वो एफिशिएंट होगा, तो बेटर से बेटर एनर्जी एफिशिएंट हम प्रोडक्ट्स यूज़ करें, 4 स्टार 5 स्टार जिनकी रैंकिंग हो, और खाने पीने में हम जो ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें जिसमें पेस्टिसाइड का यूज़ ना हुआ हो, या सिंपल सिंपल कहते हैं कि हमको ऑर्गेनिक फूड को आगे बढ़ावा देना है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में USDA ऑर्गेनिक करके एक संगठन है, एक लेबलिंग करता है USDA ऑर्गेनिक, और इंडिया में भी इस तरह के, ये देखिए USDA, देन वर्ल्ड में एक और रेन फॉरेस्ट अलायंस सर्टिफाइड है, इसमें भी ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा दिया जाता है, और इंडिया में भी इंडिया ऑर्गेनिक एक सर्टिफिकेशन है जो ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देता है। और आपको पता ही ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए फार्मिंग इन विच द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड दीज ऑल फर्टिलाइजर्स आर मिनिमम और से जीरो, और जो अपने आप में जो एक विधि है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें जो पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, उनका न्यूनतम प्रयोग या कह लीजिए कि शून्य प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम आगे बढ़ाएं। तो और साथ में हम बायोडाइवर्सिटी बैंकिंग करें, बायोडाइवर्सिटी बैंकिंग मतलब ये कि हम सीधे सीधे, एक तो अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो उसकी हम मॉनिटरी वैल्यू डिसाइड करें। सबसे पहली बात तो हम, अगर कोई बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है तो हम पहली बात तो अवॉइड करें, और अगर उस हार्म को हम अवॉइड नहीं कर सकते तो उसकी एक वैल्यू रखें, और उस वैल्यू से सिमिलर जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं उनको हम डेवलप करें, ताकि स्पीशीज़ को हम एक्सटिंक्ट होते या नियरली थ्रेटेंड स्पीशीज़ को हम बढ़ावा दे सकें, उनको प्रोटेक्ट कर सकें। और साथ में जैसे नर्सरीज होती हैं इस तरह से, जो एनिमल्स के जो जीन होते हैं उनकी जीन बैंक्स को बढ़ावा दें, जो जितने भी नियरली थ्रेटन डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनके हम जीन्स एक जगह बैंकिंग कर सकें, क्योंकि कल को अगर ये स्पीशी ख़त्म हुई तो उन जीन से हम एटलीस्ट इसको रिप्रोड्यूस कर सकेंगे, जैसे कि प्लांट्स के लिए नर्सरी होती है उसी टाइप से जीन बैंक्स होते हैं। और फिर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को हम आपस में कनेक्ट करें, जैसे कि देखिए ये देखिए आप दिस इज़ ए, समझ लीजिए नेशनल हाईवे। अब इस हाईवे के बनने से क्या हुआ, ये जो फॉरेस्ट का ये पार्ट है इस फॉरेस्ट के पार्ट से अलग हो गया, तो हमको ऐसा नहीं करना। हम अगर अपना कॉरिडोर तो बना रहे हैं लेकिन वाइल्ड लाइफ का भी हम कॉरिडोर बना रहे हैं, देखिए कितना अच्छा इफेक्ट है, ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जिससे एनिमल भी अपने से, सपोज करिए जंगल के इस पार्ट से इस पार्ट में या उस पार्ट से इस पार्ट में आ सकें, और ह्यूमन बीइंग भी आराम से आ जा सकें। तो ऐसी सस्टेनेबल अप्रोच हमको बढ़ावा देना है। और दोस्तों एक और काम करना है, इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट अवर बायोडाइवर्सिटी, अवर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़,
कि हमको इन्वेसिव स्पीशी हम जब भी हम इस्तेमाल करें, कोई फॉरेन स्पीशी किसी चीज़ की लाएं, तो वो उसकी हम प्रॉपर थॉरली स्टडी करें, बिकॉज ये जो इन्वेसिव स्पीशी है कई बार ये बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर सकती है। सो इस जो भी हम एक्सीडेंटल प्लांट्स जो भी ला रहे हैं उनको प्रॉपर स्टडी करें और फिर ही अपने इलाके में लाने दें। मिस्टर तरुण कुमार पिथोड़े, ऑल इंडिया 7th रैंक इन IAS 2009। गौरव मारवा सर का बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में। एंड सिंस आई वाज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, आई डिड नॉट अटेंड एनी अदर कोचिंग इन दिल्ली और एनीवेयर एल्स फॉर जनरल स्टडीज, एंड आई एम पर्सनली थैंकफुल टू हिम। और दोस्तों, जैसे बार बार बात हो रही है कि सस्टेनेबल लिविंग का अब टाइम आ गया, यानी हम फ्यूल कंजम्पशन अपना कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट यूज़ करें, जो हम जहाँ तक यूज़ कर सकें बाइसिकल यूज़ करें, इको लेबल प्रोडक्ट यूज़ करें, एनर्जी को काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ करें, और पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन हम इस मामले में और बढ़ावा दें, तभी हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।